कांगड़ा घाटी में पिछले दो दिनों से जारी बारिश के चलते नड्डी के बाद मैक्लोडगंज और धर्मशाला में भी हिमपात हुआ है। जैसे ही लोगों को धर्मशाला में बर्फबारी होने का पता चला तो लोग सड़कों पर पहुंचकर बर्फ से खेलते नजर आए। मैक्लोडगंज की ओर से जा रहे पर्यटकों ने भी सड़क पर बर्फ से खेलने का आनंद लिया। कांगड़ा घाटी में पिछले दो दिनों से जारी बारिश के चलते नड्डी के बाद मैक्लोडगंज और धर्मशाला में भी हिमपात हुआ। जैसे ही लोगों को धर्मशाला में बर्फबारी होने का पता चला तो लोग सड़कों पर पहुंचकर बर्फ से खेलते नजर आए। मैक्लोडगंज की ओर से जा रहे पर्यटक ने भी सड़कों पर बर्फ से खेलने का आनंद लिया। दिन में शहर में कड़ाके की ठंड पड़ने से शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में दुकानदार अलाव जलाकर आग सेकते नजर आए। पर्यटन नगरी धर्मशाला के नड्डी में इस वक्त तापमान माइनस में जा चुका है। तापमान के लुढ़कते ही यहां बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। तीन दिनों की लगातार बारिश के बाद ताजा बर्फबारी का रिकॉर्ड धर्मकोट, नड्डी, स्तोबरी, गल्लू, त्रियुंड, इंद्रहार और क्रेरी में जमकर बर्फबारी हुई। हालांकि इनमें से दुर्गम होने के चलते कुछ पर्यटन स्थलों पर सैलानी अपनी पहुंच नहीं बना पाए, लेकिन ताजा बर्फबारी का लुप्त उठाने सैकड़ों की संख्या में सैलानी नड्डी पहुंचे और यहां बर्फ में खूब अटकेलियां की। कांगड़ा समेत हिमाचल के दूसरे जिलों और देश विदेश के सैलानियों ने नड्डी का रुख किया और यहां का खूब लुप्त उठाया। नड्डी में निजी होटल के मालिकों की ओर से बाकायदा पर्यटकों के लिए कैंप फायर और डीजे की भी व्यवस्था की गई थी, जिसका पर्यटकों और युवाओं ने भरपूर लाभ उठाते हुए अपने मंसूबे को पूरा किया। यहां पहुंचे तमाम पर्यटक इसलिए बेहद उत्साहित और खुश दिखे क्योंकि कईयों ने पहली मर्तबा आसमान से कॉटन की तरह बर्फ के बड़े बड़े फाहे गिरते हुए देखे और पलभर में वादियों की बर्फ की सफेद चादर उड़ते हुए देखा। ज्यादातर सैलानियों ने देवभूमि हिमाचल की इस खूबसूरती को निहारते हुए इसकी बेहद प्रशंसा भी की। सैलानियों ने अपने मनोभावों को व्यक्त करते हुए कहा कि ये कुदरत का वाकई में बेहद रोमांचित कर देने वाला तोहफा है और हमें इसका न केवल भरपूर लुत्फ उठाना है बल्कि कुदरत का जितना हो सके सम्मान करते हुए इसे ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाना चाहिए ताकि भविष्य में वो कुदरत के इस तरह के नायाब तोहफे से महरूम ना हो। लिहाजा हर साल इन इलाकों में बर्फबारी के दौरान सैकड़ों लोग बतौर सैलानी यहाँ की वादियों में सुकून के पल गुजारने पहुँचते हैं, लेकिन नशे में चूर कई बार मदहोश हुड़दंगी माहौल भी खराब करने की कोशिश करते हैं, जिससे न केवल यहाँ के पर्यटन स्थल बदनाम होते हैं बल्कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर भी सवाल हैं, जिसकी और स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है। बहुत बढ़िया है, स्नोफॉल हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, यहाँ नीचे नहीं, ऊपर होती है ये पता था, लेकिन नीचे होती है ये पता नहीं था। और रात को हम आए थे तब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सुबह जब उठे तो सब वाइक वाइक था, सब स्नोफॉल हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा। सब कुछ पैसा वसूल है सब कुछ। और अगली बार तो घर वालों के साथ ही आएंगे, फिर से एक बार आना ही है तो आएंगे फिर स्नोफॉल देखने। हाँ, बहुत ज्यादा, अभी तो फ्रेंड्स के साथ आए। अगली बार मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आया हूँ, बहुत दूर से चल के बस यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ एक्चुअली धर्मशाला में। पैसे से मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और अभी जैसे कि पता चला कि नड्डी में बर्फ गिरा हुआ है तो हम घूमने चले आए। हमारे साथ हमारे फ्रेंड अमन रावल जी केमिस्ट्री फैकल्टी एंड मिस्टर योगेश जी जो कोऑर्डिनेटर हैं, सब घूमने के लिए आए हैं। सर बहुत अच्छा व्यू लग रहा है और मुझे यहाँ रुकने का तो एक श्रेय जाता है सर, आप धर्मशाला वाले, मतलब पूरी हिमाचल प्रदेश ही ऐसे लोग, ऐसा मतलब कोई करप्शन नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, इस पोल्यूशन फ्री स्टेट में रह के मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और मैं सर आई कांट एक्सप्लेन इन माई ओन वर्ड कि आप लोग कितने अच्छे हैं और यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। बर्फ गिरी हुई है सर, लाइफ में ये मेरा थर्ड टाइम है जो मैं बर्फ को देख रहा हूँ। और भी एक्सपेक्ट करना चाहता था कि कभी बर्फ गिरते हुए देखूं, लेकिन सर वो हो नहीं पाया। और आप लोग हैट्स ऑफ टू यू सर, आप लोग भी इतनी ठंडी में खड़े हुए हैं, जितने भी यहाँ पे आ रहे हैं लोग देखने के लिए उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कैसा नज़ारा लग रहा है। सर देख सकते हैं हम पीछे का नज़ारा कितना, मतलब खो जाने का इन वादियों में दिल करता है।